हेलो गाइस, आज की हमारी कहानी है हाथी और चूहे की। यह पार्ट 6 है और चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। चलिए देखिए। तो गाइस, एक समय की बात है, एक विशाल और ताकतवर हाथी जंगल में रहता था। उसका नाम गजराज था। गजराज जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर था और सभी जानवर उससे डरते थे। गजराज का स्वभाव बहुत ही क्रोधित और उग्र था। वह जब भी गुस्से में आता, पूरे जंगल में कोहराम मचा देता। जंगल के सारे जानवर उसके शिकार से बचने के लिए इधर उधर छुपते रहते थे। जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था, जिसका नाम चिंटू था। चिंटू बहुत ही प्यारा और शांत स्वभाव का था। वह हमेशा छोटे छोटे काम करता था, अपने दोनों दानों को इकट्ठा करता, और गजराज की उपस्थिति से चिट्टू भी डरता था। लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता का चतुराई के कारण वह अपनी जान बचाने में सफल रहता था। एक दिन गजराज को अचानक बहुत तेज भूख लगी। वह जंगल में इधर उधर भटकने लगा ताकि कुछ खाने को मिल सके। चलते चलते वह चिंटू के घर के पास पहुंच गया। चिंटू अपनी छोटे से बिल में आराम से बैठा था और अपने खाने के दानों का देख रहा था। गजराज ने देखा कि चिंटू के पास कुछ स्वादिष्ट दाने हैं। उसकी भूख गजराज ने चिंटू को डराते हुए कहा, तुम्हारे पास क्या है? जो दाने हैं मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। चिंटू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर उसने सही तरीके से बात की तो शायद गजराज को समझाया जा सकता है। चिंटू ने गजराज से निवेदन किया, मुझे तुम्हारे दानों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी भूख को शांत करने के लिए मेरे पास कुछ विचार है। गजराज ने तो चूहे की बात सुनी और उसकी बात में सतर्क पाया। उसने चिंटू से पूछा, अरे क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा तरीका है जिससे मेरी भूख शांत हो सके? चिंटू ने सोचा और कहा, मैं एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है और उसकी शाखाएं भरपूर फल से लदी हुई है। अगर तुम उस पेड़ तक पहुंच सको तो तुम्हारी भूख आसानी से मिट सकेगी और शांत हो सकेगी। गजराज ने चिंटू की बात मानी और उसने उस पेड़ की ओर बढ़ना शुरू किया। पेड़ की ओर बढ़ते समय गजराज को चिंटू की बात सही लगी और उसे धन्यवाद कहा। चिंटू ने गजराज को पेड़ तक पहुंचाने में मदद की और गजराज ने बहुत सारे आम खाए। इस प्रकार गजराज और चिंटू की दोस्ती ने साबित कर दिया कि भले ही हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन बुद्धिमत्ता और दया से हर समस्या का समाधान हो सकता है। जंगल में शांति और स्नेह का वातावरण लौट आया और सभी जानवर खुशहाल जीवन जीने लगे। तो इस कहानी में हमें यह पता चलता है कि अगर आप अपनी बुद्धि से चाहें तो कितने भी बड़े शरीर का हो आदमी हो उसको हरा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और थैंक यू।